दोस्तों एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कितनी बड़ी जांच एजेंसी है ये हम सभी जानते हैं। हर तरीके के हाई फाई टेक्निक दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम एनसीबी के पास है। ऐसे में आपको सुनकर जानकर हैरानी होगी कि सुशांत की मौत के बाद एनसीबी पर एक 21 साल की लड़की नजर रख रही थी, जासूसी कर रही थी। जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े इस लड़की के निशाने पर थे। समीर वानखेड़े क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कब आए कब गए, किससे मिले, दफ्तर से कब निकले, ये लड़की हर चीज पर नजर रखे हुए थी। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है दोस्तों, बल्कि बॉलीवुड और मुंबई के हाई प्रोफाइल लोगों के बीच ड्रग क्वीन के नाम से जानी जाती है। और इसी ड्रग क्वीन की गिरफ्तारी से बॉलीवुड में खलबली मच गई है। और एनसीबी ने जो इस लड़की को लेकर खुलासे किए हैं, जो बातें बताई हैं, उन्हें सुनकर आप और हम हैरान रह जाएंगे। तो कौन है ये लड़की, इसकी गिरफ्तारी से बॉलीवुड क्यों हो गया परेशान, और कैसे समीर वानखेड़े की जासूसी करवाने में ये लड़की सफल भी हो गई, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सोचिए कि अगर समीर वानखेड़े की जासूसी हो सकती है तो सुशांत के साथ क्या क्या किया गया होगा। सुशांत केस की जड़ें कहां कहां और कितनी गहराई तक फैली हुई हैं कोई सोच भी नहीं सकता दोस्तों। तो मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसने हाल ही में एक 21 साल की लड़की को ड्रग बेचने के मामले में गिरफ्तार किया था, उसे कोर्ट ने 5 दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया। इस दौरान एनसीबी ने इस लड़की को लेकर कई बड़े और अहम खुलासे किए हैं। जांच में पता चला है कि लड़की अपने गैंग के लोगों को समीर वानखेड़े पर नजर रखने के लिए बोलती थी, ताकि अपने धंधे को सही सलामत रखा जा सके। इतना ही नहीं, ये लड़की हर उस शख्स पर भी नजर रखती थी जो पुलिस या फिर एनसीबी के लिए खबरी का काम करता था, और पता चलने पर उसे फोन कर धमकी भी दी जाती थी। इस आरोपी जिसे डोंगरी का ड्रग क्वीन बताया जाता है, उसका नाम इकरा कुरैशी है, जो कि अपने धंधे की तरफ किसी नारकोटिक्स कंट्रोल के अधिकारी की नजर तो नहीं है, ये जानने के लिए एनसीबी की ही जासूसी करवाने शुरू कर दी थी। हालांकि अब तक आपने सुना होगा कि ड्रग पेडलर्स को पकड़ने के लिए पुलिस उनकी जासूसी करती है, अपने लोगों को उनके बीच में या उनके इलाके में भेष बदल कर घूमने के लिए कहती है, मगर यहाँ पर सब कुछ उल्टा था दोस्तों। एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि इकरा खुद भी और उसके लोगों को एनसीबी के ऑफिस में काम करने वाले इंटेलिजेंस ऑफिसर और खुद समीर वानखेड़े पर नजर रखने के लिए बोलती थी, और एनसीबी ऑफिस के आसपास अपने लोगों को भेष बदल कर घूमने के लिए भी कहती थी। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर इकरा और उसके लोगों ने ये पूरा पता लगा लिया था कि समीर वानखेड़े किस दिन कितने बजे ऑफिस आए, कितने बजे ऑफिस से निकले, और कब अपनी टीम के साथ कहां रेड मारने गए। एनसीबी को जब इस बात का शक हुआ तो अपने ही ऑफिस के आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और पाया कि ये लड़की और उसके गुर्गे तो एनसीबी पर ही नजर रखे हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये इकरा कैसे एनसीबी के हाथ लगी। तो जाँच के दौरान एनसीबी को पता लगा कि सोनू पठान और एजाज साइको से इकरा अपने ग्राहकों के लिए ड्रग खरीदती है। उसके कई ग्राहक बॉलीवुड के बड़े स्टार्स भी हैं और मुंबई के हाई प्रोफाइल क्लब में आने वाले लोग भी शामिल हैं। इकरा का नाम सबसे पहले तब आया जब एनसीबी ने दाऊद की गैंग से जुड़े ड्रग माफिया चिंकू पठान को गिरफ्तार किया, और तब से ही इकरा की तलाश जारी थी। एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक इकरा का नेटवर्क सीएसटी चर्च गेट से लेकर बांद्रा तक फैला हुआ था। इकरा हमेशा इस बारे में ध्यान देती थी कि कोई उसकी खबर एजेंसियों को ना दे, और पता चलने पर उस खबरी को धमकी भी देती थी। समीर वानखेड़े ने बताया कि हाल ही में उनकी एक टीम ने डोंगरी इलाके में छापेमारी कर इकरा कुरैशी को गिरफ्तार किया था, और उसके घर से 52 ग्राम MG ड्रग बरामद हुआ। इकरा के खिलाफ एनसीबी में 2 मामले पहले से दर्ज हैं, और दोनों ही मामले में लंबे समय से वॉन्टेड थी। एनसीबी के अधिकारियों ने बताया कि इकरा कुरैशी ड्रग बेचने के लिए बड़ा ही शातिर तरीका इस्तेमाल करती थी, ताकि उसे कोई पकड़ न सके। इकरा इस कारोबार को चलाने के लिए इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती थी। जी हाँ, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल यहाँ पर ड्रग को खरीदने बेचने के लिए किया जा रहा था, जहाँ पर वो नए ग्राहकों से संपर्क करती और उनकी मांग भी पूरी करती थी। इस लड़की ने बकायदा 5 से 6 महिलाओं को ड्रग सप्लाई करने के लिए हायर भी किया था, और एक बार ऑर्डर मिलने के बाद ड्रग डिलीवरी के लिए इन लोगों को भेजा जाता था। इतना ही नहीं, महज 21 साल की लड़की इकरा को पता है कि उस पर मोबाइल फोन से नजर रखी जा सकती है, ऐसे में वो एक डिलीवरी के लिए एक फोन का इस्तेमाल करती थी। जी हाँ, ये एक बहुत हैरानी भरी बात है।
एक डिलीवरी के लिए एक पौंड का इस्तेमाल करना और उसकी समझ भी होना, वो भी सिर्फ 21 साल में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़की कितनी शातिर है और उसके आका कितनी पहुंच वाले होंगे। जो लड़की एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की जासूसी करवा सकती है दोस्तों, मतलब वो किसी की भी जासूसी करवा सकती है। अब सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कहीं सुशांत सिंह राजपूत की भी जासूसी तो नहीं करवाई गई, कहीं सुशांत पर भी पल पल कोई नजर तो नहीं रख रहा था। अब अगर इससे जुड़ा कोई भी अपडेट हमको मिलता है तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। वैसे आपको ये मामला देखकर क्या लग रहा है, आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। सीबीआई पर दबाव बनाए रखने के लिए सुशांत के लिए आवाज उठाते रहें। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, हमने आप सबको बताया था कि रिया ने सुशांत के उन स्टाफ को काम से हटाया था जिनको सुशांत ने खुद नियुक्त किया था, और तो और उन अच्छे और भरोसेमंद स्टाफ को हटाकर रिया ने अपने चिर परिचित क्रिमिनल्स को सुशांत के नौकरों के भेष में लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया था। जो लोग कितने खतरनाक और दुष्ट थे, इसी का एक सबूत एक भयानक वीडियो के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबको याद दिला दें कि जब सुशांत इस दुनिया में नहीं रहे, जब उनका मुंह, उनका शरीर अपने कैरेक्टर के चीरहरण को रोकने के लिए कुछ बोलने के लिए सक्षम नहीं बचा था, तो ये वही रिया और उसका नियुक्त किया हुआ स्टाफ था जिन्होंने मुंह फाड़ फाड़ कर ये कहा था कि हम लोग सब दूध के धुले हुए हैं और हम ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, बल्कि सारी गलती सुशांत सिंह राजपूत की है और वही एक नंबर का नशेड़ी और गंजेड़ी था। लेकिन हम अपने आप को भाग्यशाली, अपने आप को खुशनसीब समझते हैं दोस्तों कि सुशांत की तरफ से उन्हें बेगुनाह और शरीफ साबित करने का हमारे हाथ ऐसा सबूत लग गया है जिसे हम आप सबको दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में जो नमूना आप सबको दिख रहा है, क्या आप सबने पहचाना इसे? ये वही दुष्ट दीपेश सावंत है दोस्तों, जो अभी आपको गांजा फूंकता हुआ, धुएं का छल्ला उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है सबूत जो साबित करता है कि नशेड़ी गंजेड़ी ये पापी लोग हैं, सुशांत सिंह राजपूत नहीं। सुशांत तो एक प्योर सोल थे जिन्हें इन लोगों ने छल से, कपट से पीठ पीछे वार करके मार डाला। हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सच पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इन पापियों की सच्चाई देख सकें। दोस्तों, सुशांत की लड़ाई में यूं ही हमारे साथ बने रहें। हमें इन सब पापियों से सुशांत का बदला लेना है, इन्हें इनके किए की सजा दिलवानी है हर हाल में, और ये आपके साथ के बिना मुमकिन नहीं दोस्तों। इसीलिए हमारी आवाज बुलंद करने के लिए चैनल के साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।